वेलकम स्टूडेंट, आज आप पढ़ांगे चैप्टर 10 द करेक्ट बोर्ड ऑफ क्लास 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। करेक्ट बोर्ड का मतलब होता है जो बोर्ड यानी कि जो कड़ा जिंदे छेक हो। सब तो पहला आप पढ़ांगे वर्ड मीनिंग, ओके शब्दों के अर्थ। वाटर बेरर, वाटर बेरर का अर्थ है पानी ढोन वाला कोई व्यक्ति। डिलीवर्ड, डिलीवर का मतलब होता है पहुँचा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण ज पूरा, जो पूरा सही हो विदाउट एनी मिस्टेक। अशेम्ड, अशेम मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होया। प्लांटेड, प्लांट करना कोई पौधा लाना इस तरह का वर्ड। अपोलोजाइज्ड होता है सॉरी, क्षमा। हूँ चैप्टर स्टडी करते हैं। देर वॉज ए वाटर बेरर इन इंडिया, इंडिया के विच किते एक वाटर बेरर हुंदा सी। ही हैड टू लार्ज पोर्ट्स, उसके कोल दो वड्डे, लार्ज का अर्थ हुंदा है बिग, वड्डे पोर्ट्स यानी कड़े सन। ईच पोर्ट हंग ऑन ईच एंड ऑफ ए पोल, एक डंडे दे एंड ते दोवें जिहड़े मटके सन वो अलग अलग टंगे हुए सी। ही कैरिड दीज पोर्ट्स ऑन हिज शोल्डर, कैरी मन हुंदा है एक थां तो दूजी थां ते कोई चीज़ नूं लैके जाना, वो इन्हां पोर्ट्स नूं अपने शोल्डर ते कंधियां ते लैके जांदा सी। ही डिलीवर्ड वाटर टू हिज मास्टर इन दीज टू पोर्ट्स, वो इस इन्हां दे विच पानी आपके मास्टर यानी आपके मालिक नूं देण जांदा सीगा इन्हां दोनों पोर्ट दे विच। वन ऑफ द पोर्ट्स had a crack in it but the other port was perfect, jede do port san unna vichon ik jehda siga unde vich crack si, ik chhek si, but jehda dooja siga other port was perfect, oh sahi si bilkul. The cracked port was always half filled but the other port had full water at the end of the long walk from the river to his master's house. अगे कहता है कि जिहड़ा टुटिया होया पोर्ट सीगा वो हमेशा ही हाफ भरिया रहिंदा सीगा जदों वो मास्टर दे करे पहुँचते नदी तो जदों पानी लैके जाता, बट जिहड़ा दूजा पोर्ट सीगा जिहड़ा बिल्कुल परफेक्ट सी वो हमेशा ही भरिया रहिंदा। फॉर टू ईयर्स, दो सालां तक, दिस वेंट ऑन डेली, ए रोज़ यही चलता रहा यानी कि जिहड़ा वो टुटिया होया जा छेक जिहदे विच कड़े दे विच सीगा वो हाफ जांदा ते बाकी दूजा जिहड़ा कड़ा सी वो पूरा फिल्ड होके जांदा। द बेरर डिलीवर्ड ओनली वन एंड ए हाफ पोर्ट्स फुल ऑफ वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस, जिहड़ा वाटर बेरर सीगा वो हमेशा ही अद्धा पानी, एक ते अद्धा यानी डेढ़ कड़ा पानी लैके आपके मास्टर के घर जांदा। ऑफकोर्स द परफेक्ट पोर्ट वॉज प्राउड ऑफ इट सैल्फ, जिहड़ा परफेक्ट पोर्ट सीगा उसनू इस चीज़ ते बड़ा प्राउड सी, माण सी, प्राउड मतलब माण सी कि वो पूरा परफेक्ट है। इट वॉज़ परफेक्ट फॉर वट इट वॉज़ मेड, क्योंकि ये जिहड़ा कड़ा सीगा पूरा परफेक्ट सी, क्यों, क्योंकि ये बनिया जिस चीज़ दे लई सी वो आपका काम कर रहा सी। बट द पुअर क्रैक्ट पोर्ट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स क्रैक, लेकिन बेचारा जिहड़ा क्रैक्ट पोर्ट सी वो अशेम्ड सी, बड़ा शर्मिंदा सी आप दे छेक ते। इट वॉज सैड, ये बड़ी दुख की गल सी, दैट इट कुड ब्रिंग ओनली हाफ द वाटर, वो सोचता कि बड़ी दुख की गल है कि वो सिर्फ अद्धा पानी ही लैके जाता है। आफ्टर टू ईयर्स, दो साल बाद, आफ्टर का मतलब बाद, वन डे एक दिन, द क्रैक्ड पोर्ट स्पोक, स्पोक मंस बोलिया, स्पोक जिहड़ी वर्ब है सैकेंड वर्ब है स्पीक दी। स्पोक टू द वाटर बेरर, वो वाटर बेरर नू दो साल बाद कहता है आई एम अशेम्ड ऑफ माईसैल्फ, माईसैल्फ मतलब खुद ते, कहते कि मैंने खुद ते बड़ी शर्मिंदगी महसूस होंदी है। एंड आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, मैं तुहानू सॉरी कहना चाहता हाँ, वॉन्ट मतलब चाहना। द वाटर बेरर आस्क्ड, वाटर बेरर ने पूछा वाई, क्यों, वट आर यू अशेम्ड ऑफ, वट आर यू अशेम्ड ऑफ, तो किस दे लई शर्मिंदा हो। द पोर्ट रिप्लाइड, एक ध्यान रखना अशेम्ड के नाल ज़्यादातर ऑफ जिहड़ी है
प्रेपोजिशन यूज होंगी है। द पोर्ट रिप्लाइड, रिप्लाइड मीनस होंगे है आंसर, इतने वर्ब सैकेंड है रिप्लाई दी। द पोर्ट रिप्लाइड फॉर दीज पास्ट टू ईयर्स, यानी पिछले पास्ट मतलब पिछले दो साल तो आई डिलीवर्ड लैस वाटर दैन द अदर पोर्ट। लैस मन होंगे है घट, दैन यानी कि कंपेयर किया है दूजे पोर्ट के नाल, आप वर्ड दैन लिखा जो कंपेयर करते हैं। वो कहता है आई डिलीवर्ड लैस वाटर दैन द अदर पोर्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रैक इन माई साइड। वो कहता है मेरे इस छेक करके मैं थानू दूजे मटके नालों घट पानी पहुँचाता हाँ। माई वाटर लीक्स आउट, लीक आउट में से बाहर निकल जाना कोई चीज़ का लिक्विड पदार्थ का। माई वाटर लीक्स आउट ऑल द वे बैक टू योर मास्टर्स हाउस, यानी मैं जो थोड़ा मास्टर का घर का रस्ता है उनके रस्ते ते ही लीक हो जाता है मेरा अद्धा पानी। यू डोंट गैट फुल वैल्यू ऑफ योर एफर्ट, एफर्ट मतलब होंगे है प्रयास। वो कहता है जो तुम पूरा मटका पानी भरन का प्रयास करके लैके आते हो वह तुम्हें फुल वैल्यू नहीं मिलता, वो हाफ ही पहुँचता है अगे बिकॉज ऑफ माई क्रैक। द वाटर बेरर फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक्ट पोर्ट, वाटर बेर जरा सीगा वो भी थोड़ा सॉरी फील करता है। ही सैड टू द पोर्ट, वो पोर्ट नू कहता है, सैड मीन्स कहा, उसने पोर्ट नू कहा टूडे वैन वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, टूडे यानी अज, वैन मतलब जदों, जदों असी वापस मुड़ांगे मास्टर दे घर तो। आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं थोड़े ध्यान में लियाना चाहवागा द ब्यूटीफुल फ्लोवर्स, सुंदर फूल अलोंग द पैथ, पैथ मतलब होंगे है वे जा पंजाबी च रस्ता, इसनों वे भी कह सकते हो। वे अलोंग, अलोंग होंगे है नाल नाल, यानी कि पैथ है तो इन्दे नाल नाल, अलोंग द वे एज जिमें दे मतलब ओ मटके अते वाटर बेरर रिटर्न फ्रॉम द रिवर, जो रिवर तो वापस मुड़े द क्रैक्ट पोर्ट टुक नोटिस, क्रैक्ट पोर्ट ने नोटिस किया ध्यान दिता ऑफ द सन वॉर्मिंग द ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑन हिज साइड ऑफ द पैथ, इन आप दी जिहड़ी साइड ते सीगा जिहड़ा टुटिया होया साइड सी मटके दे साइड सी उत्थे वाइल्ड फ्लावर कुछ जंगली फुल ऑन हिज साइड ऑफ द पैथ। इट वॉज हैप्पी, ये बड़ा खुशी का पल सीगा टू सी द ब्यूटीफुल फ्लावर यानी सुंदर फुलां नू वेखना। बट एट द एंड ऑफ द पैथ, जदों लेकिन रस्ते दे खत्म होने ते यानी कि ये जो रस्ता खत्म हो गया वो हुण मास्टर दे करे पहुँचन लगे। इट स्टिल फेल्ट, फेल्ट मीनस महसूस किया बैड, बुरा महसूस किया बिकोज इट हैड अगेन लीकड आउट हाफ द वाटर, जदों उसने वेख्या जदों हाफ पानी जिहड़ा सीगा वो डुल चुकया है लीक हो चुकया है। इट अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होंदा है मुआफ़ी मंगना। इट अपोलोजाइज्ड टू द वाटर बीरर फॉर इट्स फॉल्ट, उसने अपनी गलती दी मुआफ़ी मंगी अपोलोजाइज्ड। द बीरर सैड टू द पोर्ट, हुण जिहड़ा वाटर बीरर सीगा वो पोर्ट नूं कहिंदा है डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पैथ, कहता है कि तुसी नोटिस किया कि तुसी ध्यान दिता कि उत्थे फ्लावर सी सिर्फ ओनली तुहाडी साइड वाले रस्ते दे विच। नैक्सट, तुहाडी साइड दे रस्ते दे विच देयर वर नो फ्लावर्स ऑन द अदर पोर्ट साइड, लेकिन दूजे जिहड़ा पोर्ट जिहड़ा सही सीगा उत्थे कोई भी फ्लावर नहीं सी। आई न्यू अबाउट योर क्रैक, न्यू मीनस होंगे है जानता सी, वो कहता है कि मैं जानता सी कि तुहाडे दे क्रैक है। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड, लेकिन मैं प्लांट मन उगाना या पैदा करने ले कुछ बीज वगैरह प्लांट करने कि मैं प्लांट कर दिते सीगे कुछ फ्लावर सीड्स, सीड्स मतलब बीज ऑन योर साइड तुहाडी साइड दे विच ऑफ द पैथ रस्ते। एंड एवरी डे, अते रोज़ ही वाइल वी वॉकड बैक फ्रॉम द रिवर, जदों असी नदी तो वापस आंदे, वॉकड बैक मतलब वापस आंदे, द लीक्ड वाटर फैल ऑन दैम, तो जिहड़ा लीक हुंदा सी पानी वो इन्हां ते फैल मतलब डिगदा सी किन्हां ते फ्लावर ते जिहड़े बीज उसने बोए सन उहते। विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर वी वुड नोट हैव सीन दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स,
यानी तुहाडे बिना जाने ही आपां ये बड़े सुंदर फूल किवें पैदा कर सकते सी। नेक्स्ट आपां पढ़ांगे ग्रामेटिकल टॉपिक है ओ, इहदे विच है प्रजेंट टेंस। बाकी सिंपल क्वेश्चन जो है अगे है टेंस। टेंस का जिहड़ा पार्ट है बड़ा ही इंपोर्टेंट पार्ट है, ये हर क्लास के विच मिलेगा। टेंस द वर्ब इन ए सेंटेंस शोज टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। जी वर्ब होंगी है एक सेंटेंस के विच टाइम दसती है और स्टेट ऑफ एक्शन यानी एक्शन के बारे दसती है कि ये हो रहा है। दैट इज़ द टाइम वैन द एक्शन टेक्स प्लेस और वैदर द एक्शन इज़ हैबिचुअल हैज़ बीन कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस। यानी वो वर्ब तो ही पता चलता है कि वो जरा टाइम सी हैबिचुअल सीगा जां कंप्लीट हो चुका सी जां इन प्रोग्रेस सीगा या चल रहा सी। ते आप गल करांगे प्रेजेंट टेंस दी। प्रेजेंट टेंस दे विच प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दी। शी राइट्स लैटर, हुण प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है टू शो एक्शन। प्रेजेंट टेंस की है टू शो एक्शन हैपनिंग इन द प्रजेंट टाइम एंड देयर स्टेट। प्रजेंट समय के जोड़े कम चल रहे होन वो प्रजेंट टेंस के शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स लैटर, शी इज़ राइटिंग लैटर, शी हैज़ राइटिंग लैटर्स, सॉरी शी हैज़ रिटन लैटर्स, नैक्सट शी हैज़ बीन राइटिंग लैटर्स। इदा के चार तरह के चार टाइप के जोड़े सेंटेंस टेंस होंगे है, एक टेंस के चार टाइप होंगे है। तो इन्दे विच आपां फर्स्ट करांगे पहली टाइप का टेंस जिहड़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस इंग्लिश ग्रामर द सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी आखते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी आखते हैं। टेंस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग फोर जनरल सिचुएशन, यानी चार जिहड़ी सिचुएशन जिहड़ी थल्ले दित्ती हुई है जे जिहड़े सेंटेंस विच ए अप्लाई हुंदी है उस दे लई प्रेजेंट सिंपल टेंस आवेगा। हुण प्रेजेंट सिंपल टेंस दे विच की हुंदा है, सब तो पहला एक सब्जेक्ट हुंदा है जो एक नाउन जां प्रोनाउन हो सकता है। उस तो बाद उन दे विच वर्ब फस्ट ऐड करनी है जां वर्ब फस्ट दे नाल एस जां ईएस ऐड करना है, तो उस तो बाद ऑब्जेक्ट जां कॉम्प्लीमेंट आएगा। हुण ऐसे दे सारा टेंस है घूमेगा ऐसे दे चार पासे। फस्ट पढ़ते हाँ किहड़ी चार टाइप दे विच जां जनरल सिचुएशन दे विच ए टेंस यूज़ होएगा। टू से फैक्ट यानी तथ्यों की गल करनी, जनरल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ जिहड़े जनरल ट्रुथ है उन्हां बारे दसना, एंड कॉमन सेंस आइडियाज़ दैट एवरीबडी नोज़ यानी वो गल्लां जिहड़ी हर कोई जानता है उस दे विच प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होगा। नैक्सट टू स्टेट हैबिट किसी की आदत दसन बारे, कस्टम एंड इवेंट घटनाक्रम दसन बारे, कोई रीति रिवाज दसन बारे, दैट हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है उन्होंने नाल आपां ए टेंस यूज़ करांगे। नैक्सट थर्ड टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स एंड इवेंट्स, जिहड़े फिक्सड प्लान्स होण जिहड़े भविख विच होने ही है उहदे लई आपां ए टेंस का यूज़ कर सकते हाँ। नैक्सट टू टैल जोक्स स्टोरीज एंड रिलेट स्पोर्ट्स इवेंट्स इन रियल लाइफ, कमेंट्रीज वगैरह के लिए जिहड़ी स्पोर्ट्स के विच हुंदी है उहदे लई भी इस टेंस का यूज़ होगा। नैक्सट वी यूज़ वर्ब फस्ट फॉर आई यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगे कहता है कि आपां जिहड़ी वर्ब फस्ट है वो यूज़ करांगे आई यू अते प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल। प्लूरल है आई यू दे वी जां प्लूरल नाउन लाइक बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन एटसेट्रा, ये सारे है प्लूरल, यानी कि प्लूरल का मतलब होता है एक तो वध, दो चार छे दस पंद्रह किन्ने भी हो सकते हैं, जां किसी के दो जा दो तो वध नाम जिहड़े एंड नाल जुड़े होण जिवें
रमन एंड मोहन, ये दो नाम जुड़े हैं इसलिए ये है प्लूरल। तो इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट होवे उनके नाल वर्ब फस्ट लगेगी। आप आगे एग्जाम्पल च पढ़ांगे। अगे कहता है जिमें यू प्रे टू गॉड डेली। देखो नाउन दे नाल जदों आपां एस जां ईएस ऐड करते हाँ वो नाउन जिहड़ी है प्लूरल बन जाती है, बट जे वर्ब दे नाल आपां एस जां ईएस ऐड करते हाँ तो वो जिहड़ी वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगी। नाउन जिहड़ी तुहानूं हुणे दस्सिया सी बॉय दा एस लावांगे तो बॉयज़ हो जाएगा, इहदा मतलब बहुत सारे लड़के। लेकिन वर्ब जिवें है स्पीक, हुण ये जिहड़ी है फॉर्म दित्ती हुई है ये प्लूरल है, जे इहदे नाल आपां एस लावांगे तो ये सिंगुलर हो जाएगी। बस यही दिमाग दे विच रखना है। नैक्सट है दे बाय मिल्क फ्रॉम दिस डेयरी। दे नाल प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो इहदे नाल वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जे इत्थे हुंदा ही यानी सिंगुलर तो इत्थे आना सी बायस। तो उपर वाले दे विच यू प्रे, तो यू प्लूरल है तो इसलिए प्रे लिखा गया है। जे इत्थे सिंगुलर हुंदा मान लो शी तो इत्थे आना सी प्रेस। नैक्सट वी यूज़ वर्ब फस्ट प्लस एस और ई एस फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जे एक वजन सब्जेक्ट दा बारे सब्जेक्ट आवे तो उन्दे लई आपां वर्ब फस्ट एस जां ई एस यूज़ करांगे। सिंगुलर केड़े है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, जां किसी दा एक नेम होवे ओ सिंगुलर है, जां सिंगुलर नाउन जिवें बॉय, गर्ल, मैन, चाइल्ड, ये सारे है सिंगुलर सब्जेक्ट। इन्हां दे नाल हमेशा ही वर्ब एस जां ई एस लगेगा फस्ट दे नाल। हुण कित्थे एस लगेगा कित्थे ई एस लगेगा, देखो कोई भी सेंटेंस या कोई चीज जिहड़ा वर्ड है या वर्ब है जां नाउन है कोई भी होवे एस ते खत्म हो रही होवे डबल एस, एस एच, सी एच, मोस्टली ओ, एक्स एंड जेड ते वर्ड ते खत्म हो रही होवे उन्दे नाल ई एस लावांगे। एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इन्हां ते खत्म हो रहे होण कोई वर्ड आपां ई एस लावांगे। जिवें वर्ड है वॉच, वॉच खत्म हो रहा है सी एच ते, इन्दे नाल ई एस लगेगा ना कि एस लगेगा, इन्दे नाल बन जाएगा वॉचिस। नैक्सट है जे वाई वाला सेंटेंस वर्ड होवे जिंदे पिछे वाई लग्या होवे तां उन्दे नाल की यूज़ होगा। देखो वाई जिवें कि वर्ड दिता होया है प्रे, तो इन्दे वाई तो पहला आपां वेखना है वर्ड होण ए ई आई ओ यू यानी वोवल। जे वाई तो पहला वोवल है तो आपां एस लावांगे, अदरवाइज़ वाई नूं कट के आई ई एस लावांगे। हुण अगे जिहड़ा भी एग्जाम्पल दे विच आंदा जाएगा आपां उत्थे समझ लांगे। नैक्सट है मीना कुक्स डिलीशियस फूड। मीना एक सिंगुलर है, कुड़ी दा नाम है, इसलिए वर्ब दे नाल एस जां ई एस आएगा। एस इसलिए आया क्योंकि लास्ट वर्ड के सी। नैक्सट फिल द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रजेंट टेंस। आई ब्रैड, आई डैश ब्रैड, लाइक्स और लाइक। हुण आई जिहड़ा सेंटेंस है सब्जेक्ट है प्लूरल है तो इहदे नाल आएगा लाइक, क्योंकि प्लूरल दे नाल प्लूरल वर्ब हुंदी है। एक चीज़ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ते
प्लूरल सब्जेक्ट जेड़े हुंदे है वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंदे है। तो बस यही रूल फॉलो करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हुण आपां सब तो पहला सब्जेक्ट वेखना है, सब्जेक्ट है प्लूरल तो इहदे नाल वर्ब आवेगी प्लूरल। हुण जे एस और ई एस लगी होवे वो सिंगुलर हुंदी है, बाकी प्लूरल हुंदी है। तो इत्थे लाइक जिहड़ी वर्ब है वो फिल होवेगी, आई लाइक ब्रैड। नैक्सट वन, वी डैश आवर ड्यूटी डू जां डस। देखो डू डज हैल्पिंग वर्ब भी हुंदी है ते मेन वर्ब भी हुंदी है। जदों कोई मेन वर्ब ना होवे उदों डू डज एक हैल्पिंग वर्ब दे तौर ते यूज़ कीती जांदी है। इसे तरह इज एम आर वाज वर्ब दे नाल हुंदा है। देखो अगे है वी, आपां वी वेखना है सिंगुलर है जां प्लूरल है। इत्थे वी दा भाव है असी, ते असी मतलब एक जां एक तों वध हो गए तां इह हुंदा है प्लूरल। तां वी हो गया प्लूरल, ते प्लूरल सब्जेक्ट है तां वर्ब आवेगी प्लूरल। हुण देखो डू जां डज, डज है सिंगुलर डू है प्लूरल। आपां इहदे विच पढ़ांगे डू, वी डू आवर ड्यूटी। नैक्सट राहुल डैश द ट्रुथ। राहुल एक मुंडे दा नाम है, तो एक मुंडे दा नाम होवे वो सिंगुलर हुंदा है, तो इहदे लई वर्ब जिहड़ी यूज़ होवेगी वो सिंगुलर ही होवेगी। तो इत्थे आवेगा स्पीक्स, क्योंकि एस जिथे लग्या होया है जां ई एस लग्या होया वो सिंगुलर वर्ब हुंदी है। नैक्सट है द सन इन द ईस्ट डैश राइज और राइजेज। हुण ये जनरल ट्रुथ दे जिहड़े सेंटेंस हुंदे है वो इस तरह के होंगे, जिवें आपां पहली लाइन दे विच पढ़िया सी कि जनरल ट्रुथ दे जिहड़े सेंटेंस है उहनां दे नाल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होवेगा। हुण अगे है द सन, आपां सब्जेक्ट वेखना है द सन, तो द सन यानी एक सूरज जिहड़ा है वो हमेशा ही सिंगुलर हुंदा है। ठीक है, जे प्लूरल लिखना है तो आपां लिखांगे सन्स, तो इहदे विच द सन राइजस एस वाला लगेगा, द सन राइजस इन द ईस्ट। नैक्सट एक्टिविटी अपनी है एक्टिविटी नंबर 8 दे विच 10 एग्जाम्पल दिती हुई है जिहड़ी ऐसे टेंस दे नाल रिलेट करती है। एक्टिविटी नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट सिंपल। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही तुसीं इहदे विच पढ़ना है, यानी कोई नैगेटिव सेंटेंस नहीं दिता हुआ, सिर्फ पॉजिटिव दिता हुआ। तुसीं करना की है, पॉजिटिव दे विच सब्जेक्ट वर्ब फस्ट जां वर्ब फस्ट दे नाल एस जां ईएस दा यूज होएगा, ये फॉलो करना है। सब्जेक्ट सारे दिते हुए है, सब्जेक्ट दे विच पहला लभना हुंदा है सिंगुलर केड़ा है अते प्लूरल केड़ा है। बस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। हुण फर्स्ट सेंटेंस है शी डैश रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे। देखो ब्रैकेट दे विच जिहड़ी वर्ब दिती होवेगी वो हमेशा ही फस्ट दी प्लूरल दिती होवेगी, तो एस और जां ई एस ला के उसनों सिंगुलर करना है। शी डैश रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। एवरी डे वर्ड तो आपां नूं पता लगा कि ये जिहड़ा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट दा है, लेकिन तुहाडे सारे सेंटेंस उपर दिता है पहला ही प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है तो उहदा कोई चक्कर नहीं है, सीधा सब्जेक्ट वेख के वर्ब पढ़नी है। सब्जेक्ट है शी सिंगुलर, तो उहदे नाल वर्ब जिहड़ी आवेगी उही सिंगुलर आवेगी। तो अपने कोल मेन वर्ब जिहड़ी है रीड दिती हुई है, तो रीड नूं आपां एस जां ई एस ला के सिंगुलर करांगे। हुण एस लगेगा जां ई एस लगेगा वो चैक कर ले आपां लिखांगे, कुछ वर्ड ने वो मैं पहलां दस्से सीगे एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड दे विचकार जिहड़े भी आण जां लास्ट वर्ड ए होण तां उहदे नाल ई एस ऐड करांगे, अदरवाइज एस ऐड करांगे। रीड द लास्ट वर्ड है डी, तो इहदे विच कोई भी वर्ड डी नहीं है तो आपां इहदे नाल रीड्स रीड जां रीड्स, तो इत्थे सिंगुलर बनेगी रीड्स, तो इहदे नाल आएगा शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। हुण इत्थे आपां लिखांगे रीड्स आर ई
ADS रीड्स। नेक्स्ट है वी डैश कम टू स्कूल बाय बस। तो इन दिन सब तो पहला सब्जेक्ट वेखांगे वी, वी मतलब होंदा है असी, तो असी दे लई बहुत सारे जने हो गए तो यह हो गया प्लूरल। तो इन दे विच प्लूरल वर्ब आवेगी, लेकिन तुहानू दस्या है कि जी ब्रैकेट दे विच जी वर्ब होंदी है वह हमेशा फस्ट वर्ब प्लूरल होंदी है। तो सेम टू सेम इत्थे कम लिख देंगे। नैक्सट यू डैश वर्क वेरी हार्ड। इन दे विच यू जिहड़ा सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो वर्ब भी सेम ही लिखांगे प्लूरल सब्जेक्ट के नाल प्लूरल वर्ब। इत्थे आंसर लिख रहा मैं वर्क आएगा। नैक्सट है शी डैश लाइक सिटिंग इन द सन। फस्ट ते फोर सेंटेंस इको वर्गा ही है, एक कुड़ी दे लई यूज होंदा है तो यह हो गया सिंगुलर। तो इत्थे आएगा लाइक्स। तो लास्ट वाला वर्ड वही याद रखने हैं एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, तो इन दे नाल आपां एस लावांगे। नैक्सट फिफ्थ है वह तुसी आपे करोगे। सिक्स्थ नीलम एंड आई, नीलम अते मैं, हुण किन्ने जने हो गए दो जने हो गए, तो दो हुंदा है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल प्लूरल वर्ब पढ़ांगे। तो इत्थे की आएगा नीलम एंड आई, नीलम एंड आई और ऑलवेज, ऑलवेज कोई सब्जेक्ट नहीं है एडवर्ब है इनू नहीं देखना, नीलम एंड आई ऑलवेज। इत्थे आऊगा ट्राई टू अराइव इन टाइम। नैक्सट तुसी आपे करोगे संजीव। नैक्सट द डॉग ये भी तुसी करोगे वी अते राजा, ये सारे तुसी आपे बाकी बचते हैं वो करने हैं। चलो इतने वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।